क्वेश्चन नंबर 113, इवेलुएट इंटीग्रेशन कॉस पावर 5x डीएक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस पावर 5x डीएक्स, और इसमें हम पहले इसके पावर को एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको लिखेंगे कॉस पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, और कॉस पावर 4x को हम लिखेंगे यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और अगर इसमें हम इस साइन एक्स को पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने से कॉस एक्स होगा। सो पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और टी का 1, तो ये होगा 1 dt। सो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे हम लिखेंगे टी, तो ये होगा टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और कॉस एक्स टी एक्स के जगह पे dt, और इसमें हम यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये होगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 dt। उसके बाद हम इंटीग्रेशन को टर्म वाइज सेपरेट कर लेंगे, प्लस टी टू द पावर 4 dt इक्वल टू ये होगा टी, और ये होगा टी क्यू अपॉन 3, और ये टी टू द पावर 5/5 प्लस सी। सो आई इक्वल टू, और हमने टी हमने लिया है ये साइन एक्स, तो ये होगा साइन एक्स माइनस 2/3 साइन क्यू एक्स प्लस 1/5 साइन पावर 5x प्लस सी आंसर। Thank you.